देखिए मंत्री जी की लड़की दरबार सजाती है, इधर देखिए मंत्री जी दौलत सिंह आते हैं और क्या बातचीत करते हैं। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे अकेले रहने से हमारा काम नहीं चलता है। बेशक, क्योंकि मुझे एक नौकर की सख्त जरूरत है। हाँ, वो तो जरूरत है। हमें शाम तक एक नौकर चाहिए। नौकर? जी हाँ। और हम पल क्या करेंगे? तुम्हारे अकेले रहने से काम नहीं चलता है, यानी काम ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ गया काम ज्यादा। जी हाँ, इसलिए शाम तक मुझे एक नौकर के लाकर दो। जो आज्ञा हो, नौकर ढूंढ के लाऊंगा। जी हाँ, और सस्ता लाऊंगा। पैसे की कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, नौकर बढ़िया हो, लुष्ट पुष्ट हो, ठीक है, लाऊंगा। काम खूब करी, जो ज्यादा काम करी वह गले। इधर देखिए दोस्तों, कहानी पर गौर करिए। मंत्री दौलत सिंह की जो लड़की है वो देखिए जाती है और उसी लड़के से क्या बातचीत करती है, फिर देखिए क्या होता है। खैरियत तो ठीक है, लेकिन मैं यार बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। नौकरी? जी हाँ। यहाँ गरीब आदमी के लिए नौकरी सौकरी नहीं, जाओ भागो। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अरे रुके रुके यार, हम भी जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, कुछ एक नौकर की तलाश है मुझे। आप काम करोगे? जी हाँ। काम कर लोगे? कौन सा काम है? रात में काम पर गो तो रात में करे परी, और दिन में काम पर दिन में करेंगे। वो तो ड्यूटी के मुताबिक है। हाँ, रात में होगी तो रात में करेंगे, दिन की होगी दिन में करेंगे। पक्का? पैसा कौड़ी नहीं सामने, तय हुआ तुमका पहुँचा दी। ठीक है, ले चलिए मुझे। चलिए आइए। देखिए मंत्री दौलत सिंह बैठे हैं, तभी लेकर नौकर को जाते हैं, फिर क्या बातचीत करते हैं। आपने कहा था नौकर ढूंढ के ला दीजिए, ये रहा आपका नौकर। खुश रहो। यही नौकर है? हाँ महाराज। बड़ा अच्छा नौकर है, हाथ पाओ सब पर। इसका चालो चलन कैसे है? ए, जरा चालो चलन अपने दिखाओ, आगे आओ, तेज तेज आओ, अब सिलो सिलो जाओ। ये क्या? ये है चालो, और जब पीछे की गया है तो ये है चलन। हम ये नहीं पूछते हैं। और क्या पूछते हो? हम ये पूछते हैं कि चोर और बदमाश तो नहीं है। अरे हाँ, ये बात पूछे होते। क्यों भैया, नहीं बताओ? तू चोर बदमाश तो नहीं है? नहीं भैया, मैं चोर बदमाश नहीं हूँ। तुम्हारी शादी हुई नहीं हुई? अभी नहीं। कितने लोग हो अपने घर के अंदर? बस मेरी माँ है, मैं हूँ। बस दो ही लोग? जी हाँ। तो काम चल जाएगा। सरकार, ये दो ही लोग हैं, इसकी माँ है और ये और कोई नहीं, और ये चोर चम्मार नहीं, ये बहुत सीधा इंसान है। नाम आप पूछ लो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम, लोग मुझे विक्रम सिंह, ओ विजय सिंह कहते हैं। क्या विजय सिंह? हाँ ये ठीक बताते हैं। तो तुम्हारा नाम विजया है? जी हाँ। हम परिवार के साथ तनख्वाह देते हैं। देखो हमारी कुछ शर्तें हैं। बोलो। महीने में 30 दिन होते हैं, अगर तुम 29 दिन बराबर काम करते रहे, 30वें दिन ना आए तो पूरे महीने की तनख्वाह जब्त हो जाएगी। महाराज एक बात हम लोग कही। बोलो। अगर मंजूर हो तो बोलो। हमारी एक
ख्याल में यहाँ बिटिया को बुला लिया जाए, नौकर का दिखा दिया जाए, उनके हिसाब से इनका जो है तनख्वाह दी जाए। मालिक हम है कि तुम हो? अरे मालिक तो आप हैं। मालिक हम है। हाँ, यहाँ पर राज हमारा चलता है। बिल्कुल, बहन भी हमारे इशारे में काम करती है। वो बात ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं मालिक। बोलो। आपके घर में मेरा गुजारा जो तो वफाई से मैं काम सारा करूं, जिस जगह पर पसीना तुम्हारा गिरे फूल उस जाने फक्र है, नाज है तुम्हारी बातें सुनकर के। हाँ ठीक है, हमारी शर्त है हम कोई भी काम करें तो बीच में दखल नहीं दे सकते हो। बिल्कुल नहीं मालिक, मैं नौकर हूँ। ठीक है ना, अगर मालिक कोई काम करे बीच में बोल नहीं सकते। बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मालिक मालिक परेशान से दुख खाए रहे तो कहने से चुप। मैं दखल अंदाजी कोई नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, जाओ इसे ले जाओ, हम इसे 1500 रुपए महीना देंगे। ठीक है ना? ठीक है मालिक। और इसे 1 महीने की तनख्वाह एडवांस दे दो और 1 जोड़ा कपड़ा दे दो ताकि अच्छी तरह से हमारे यहाँ काम करने आ सके। 1500 रुपए में काम चल जाए तुम्हारा? अगर 1000 भी हो तो काम चल जाता। 1500 रुपया जाता है। क्यों? हमने जो दे दिया वो दे दिया। नहीं नहीं, 1500 रुपया जाता है इन नौकर के 1500 दे दिए। कितने दे दिए जाए? सीधे पीधे 1,00,000 रुपया दे दिए। गिने आसान 1,00,000। अगली बात भी है तो 15 गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बहुत देर की नजर आई। 1,00,000 ज्यादा हो गए, 1500 कम हुए। जाओ, तुम कल से ड्यूटी पर आ जाना। ठीक है नौकर। महाराज के मरने के बाद हम अपनी रियासत की तरफ टहलने के लिए नहीं गए, आज अपनी रियासत की तरफ हम टहलने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखता हूं हमारी रियासत में कौन हमारा नाम लेता है नहीं लेता है। यह बात तो सही है। आज चलते हैं, चलो चलते दिल बच्चा को जी चाहता है। चाचा जी देखो, चाचा जी मुझे भूल गए, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूं। बचपन में मेरे माँ बाबू खत्म हो गए। हाँ, अनाथ आश्रम में रहती हो? हाँ चाचा जी, कह गए थे मेरी बेटी, यानी मेरी बेटी मुझे बोला था मेरे बापू कि मेरी बेटी को देखे रहना, तब से मेरी देखभाल आप करते रहे। तुम बिटिया परेशान ना हो, कुमार हमेशा देखभाल कर पाए।
हाँ क्यों नहीं, यही आप से देखी था, बड़ी हो गई तब बहुत परेशान। चलती हूँ चमन की तरफ घूमने टहलने के लिए, मेरे दिल नहीं लगता। आ जाओ चमन में घूमो। चमन में नहीं, चमन को। चमन में हम जाने कहा था, चमन में घूमो। इधर देखिए ये लड़की शुरू से छोटी पर से आश्रम में पली हुई है, अब सयानी हो चुकी है, घूमने के लिए जाती है, फिर देखिए क्या होता है। एहसान तेरे दिल पे हमारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों। दबोच लिया पीछे से। आपसे कुछ पूछूं? जल्दी पूछो, क्या कहना है तुम्हें? अलंकी तू कौन है, क्या है तेरा नाम, किसकी हो तुम लाडली और कहां तुम्हारा जाओ।
जवानी किसी और को का दिखा। तेरी दीवाना हमारे लिए ठीक है। चलो चले रानी कहाँ को अब करो ना मन की मानी हो गुड़िया चल के देखो ना हो गुड़िया गुड़िया चल के देखो ना हमरे बंगले की बाहर हो गुड़िया Thank you.
मालिक तुम? कौन विजया तुम? हाँ मालिक। यहाँ किस ले आए हो? अरे मैं काम से जा रहा था, मैंने सो सुना दौड़ के आ गया। मैंने क्या कहा था तुमसे, हम कोई भी काम करें तुम बीच में दखल नहीं दे सकते। मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं। अगर पता नहीं था ना, तो अब अगर पता हो गया है तो यहाँ से गेट आउट। ठीक है मालिक, मैं चला जाऊंगा। बाबूजी, मेरी जल बचा लीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे ये मेरे मालिक है, मैं इनका नौकर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे हाथ समस्या का समाधान है। मेरे समस्या का समाधान कर। ठीक है ठीक है। ए मालिक, मेरी एक आरजू है आपसे। आरजू? कौन सी आरजू है? ये आरजू है कि ये बेचारी अबला है, इस पर दया करो, इसे जाने दो। ये भी किसी माँ बाप की इज्जत होगी, किसी खानदान की इज्जत होगी। एक बात कान को कस सुन ले, हमारे इस बगीचे में हजारों फूल हैं। शायद हजारों फूलों में गुलाब का फूल होता है जो लोगों को बेहद पसंद होता है। इसी तरह से हमारे इस इलाके में बहुत सी लड़कियां हैं, पहली बार हमें ये सपना पसंद आई है, हम इसे हासिल करके तब छोड़ेंगे। नहीं मालिक, आपकी प्रजा है, आपकी रियाया है, जानता हूं। आप यहाँ के महाराज हैं। जानता हूँ। ये सब करते हुए आपको शोभा नहीं देता? शर्म? शोभा नहीं देता वो, शोभा नहीं देता है। जो सुनेगा वो क्या कहेगा आपको? क्या कहेगा? यही कहेगा ना, कोई इंसान नहीं एक दरिंदा है। मुझे दे रहा बल गया इस कदर इसका दिमाग है, क्या दिया था नसीहत, मैं बुद्धाद रहे या भे गए या गया आज भी। हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बेचारी को जाने दीजिए। अगर ना जाने दू तो मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा तो देख, महामंत्री दौलत सिंह का इंसाफ आज यही पर होगा और तुझे भी कौन मुझे? अरे मैं तुम्हारा नौकर हूं, चलाइए घोड़ा। इज्जत को लूटता है क्यों? विजया नहीं, विजय सिंह। विजय सिंह इतना गिरा हुआ कुत्ता इंसान मेरा मालिक हो ही नहीं सकता। क्या मुझे माफ कर दे विजया? माफ मैं तुझे कर दूं ना, माफी मांग रही तो इससे मांग। क्योंकि गलती मुझसे क्या है, मेरी जिद पे हाथ डालने की जरूरत की है तुमने? चलो कह दो बहन माफी दे दो, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। खताएं माफ करो, कदमों में सर झुका। Thank you.
क्षमा अपराध की मैं आपसे करा। लेकिन याद रखना यह दुश्मनी बहुत जाना सब पाला सुनते जा कुत्ते साले हराम सागे। भाग गया साला, भाग गया साला, इकी पकड़ मुझे उखा ली सारे बतौरा किसी। चलो अब यहां से चलते हैं। कहां को चलते हो बाबूजी? तुम्हारा नाम विजय सिंह है? मेरा नाम नहीं पूछा, मेरा परिचय नहीं पूछा, मेरी इज्जत को बचा ली, आप यहाँ से रुखसती ले रहे हो। मेरी बात तो सुनो, मुझे अपने काम से जाना है। ये सब इतना समय मेरे पास नहीं जो तुम्हारा नाम पूछूं, तुम्हारा पता पूछूं, तुम्हारी जात पूछूं, तो कहाँ के रहने वाले हो, क्या हो। चलो कोई बात नहीं, मैं भी पूछ लेता। कुछ होने लगा है यार, जैसे तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है हमारे साथ में, क्योंकि मेरी इस जालिम से दौलत सिंह से इज्जत बचाई। क्या चाहती है? मैं बड़ी कातिल है प्यारे तुम्हारी नजर, जब से देखी है तुझे दिल दीवाना हो गया, मैं समा रही तू परवाना हो गया। तू पागल है, ले ले बाहों में मुझको तू प्यारे सना। तू इतनी बड़ी बदतमीज है। मैं बदतमीज हूँ? तो यहाँ कभी नहीं आता। अरे ऐसी बात मत कहो बाबू। सनम बेवफाई मत करो। मैं आपसे प्यार कर रही हूँ क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं, मैं सुंदर नहीं, सुंदर हो तुम्हारे लायकदार नहीं, सुंदर हो मैं गरीब हूँ ना, इसलिए मेरा प्यार तुम्हें कबूल नहीं है। सुंदर हो, अति सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, लेकिन क्या आजमाना चाहते हो? तुमसे प्यार नहीं कर सकता। वो किस लिए? इसलिए कि मेरे संसार में, इस संसार में सिर्फ मेरी एक माँ है। मैं नौकरी की तलाश में निकला हूँ, मुझे माँ को देखना है। अरे ना रहने का ठिकाना, न तन के कपड़े, अरे तुम्हें ले जाकर के कहाँ रखूंगा, क्या खिलाऊंगा? ये तो को कुछ किस्मत वाले हो आप, जो तुम्हारे माँ है वही इंसान किस्मत वाले होते हैं जिसके घर में माँ हो। अरे मुझसे पूछो, मेरे पास कोई नहीं है, मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ, इधर उधर घुट घुट के जी रही हूँ, क्या करूँ बाबू? कोई मेरा सहारा देवैया नहीं है, बचपन में मेरे माँ बाप खत्म हो गए, स्वर्गवासी हो गए, भगवान को प्यारे हो गए, तब से मैं इधर उधर घूमती टहलती रहती हूँ। आप मुझे सीने से लगा लो, प्यार कबूल कर लो। आई लव यू एक बार कह दो रजा। ठीक है,
तो मेरी बात सुनो। नहीं प्यार करोगे तो मैं जान दे दूंगी। हाँ नहीं नहीं, जान देने की कोई जरूरत नहीं। कि हम तुम चोरी से ये बात है बंधे एक डोरी से जाइयो कहाँ ये हुजूर। कि हम तुम चोरी